मुख्यमंत्री, क्या बन पाएंगे इस बार मुख्यमंत्री? जी आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। तो इस बार हुड्डा के खिलाफ बीजेपी ने एक हुड्डा को ही मैदान में उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूएन न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का पवार। जैसा आप सभी को पता है, हरियाणा में चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से जो एक सामने उठकर आ रही है, जिसे हॉट सीट कहा जा रहा है, जिसे वीआईपी सीट कहा जा रहा है, इन्हीं में से एक है गढ़ी सैंपला किलोई वाली सीट। इसे विधायक कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछली 5 बार से इस सीट पर वही कब्जा बैठा कर रखे हुए हैं। उन्हें कांग्रेस हर बार वहीं से टिकट देती है और वह जीत हासिल करते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी हुड्डा कार्ड खेलते हुए उनके सामने हुड्डा को ही उतार दिया है, और किसी पुरुष को नहीं, महिला को बीजेपी ने उनके सामने रखा है, मंजू हुड्डा को। 2019 चुनाव की बात करें तो आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भाजपा ने यहां पर सतीश नांदल को मैदान में उतारा था, और कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें 58,000 वोटों से हरा दिया था। 2009 से लेकर अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। तो अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि मंजू हुड्डा को भाजपा ने क्यों उम्मीदवार बनाया, और कौन है मंजू हुड्डा? तो आपको बता दें, मंजू हुड्डा एक गैंगस्टर की पत्नी है। गैंगस्टर का नाम है राजेश हुड्डा। गैंगस्टर राजेश हुड्डा की पत्नी मंजू हुड्डा साल 2022 में रोहतक जिला परिषद के चुनाव में चेयरमैन बनी, अध्यक्ष बनी, और उनके जो पति है राजेश हुड्डा, वे रोहतक के जाने माने गैंगस्टर हैं। तो एक सवाल यह भी उठकर आता है कि बीजेपी ने एक गैंगस्टर को, जो एक गैंगस्टर की पत्नी है मंजू, उन्हें ही टिकट क्यों दिया? अब तो यह चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि किसी गैंगस्टर की पत्नी होने से क्या चुनाव में प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार 6ठी बार वहां से विधायक चुने जाएंगे। और क्या पता, अगर कांग्रेस की किस्मत अच्छी रही, कांग्रेस का हरियाणा में दबदबा रहा, तो शायद एक बार फिर हरियाणा में मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा। आपके इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा वीयूएन न्यूज।